हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहां रह गया, आइटम्स जो थी जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पर इतनी है जरा पता करो कहां है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीआईडी में साइबर क्राइम विंग के डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी थी और वो आए और उद्घाटन किया। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशंस रखी थी, हमारी बातों को, प्रपोजल्स को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और पॉजिटिवली उस पे कार्य करने की आश्वासन दिया। सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो गया। उसके बाद हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहां रह गया, आइटम्स जो थी जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पर इतनी है जरा पता करो कहां है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, सीएम खुद तली भुनी चीजें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो हमने बस चर्चा करी थी और उसमें फिर ये पता लगाने की बात कही कि भाई पता करो क्या हुआ। इतनी सी बात है और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली इंटरनल सीआईडी के मैटर है। इसको मेरी करबद्ध प्रार्थना है मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और इस छोटी सी बात के लिए किसी और को टारगेट ना बनाया जाए। ये देखिए, हमने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, ना किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बस हमने कहा कि पता करें कि हुआ क्या। और बात बढ़ के इस लेवल तक आ गई है, वो बिल्कुल ही इंटरनल मैटर है। क्या कार्रवाई होगी और कैसे मीडिया में आई, वो हम इंटरनली उसको डील करेंगे। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि ये सीआईडी का मैटर है, गवर्नमेंट से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है और इसको तूल ना दिया जाए, इसको यही समाप्त किया जाए।